करती हूँ। मेकअप करना गुनाह थोड़ी ना है। अगर मेकअप करना गुनाह है तो सजा दो मुझे। मेरी बात ये है कि मैं ज्यादा मेकअप नहीं करती हूँ। तुम्हारे इस पागलपन की एक ही सजा हो सकती है। मेरे हाथ में ये टोपी है कोई असला तो नहीं। मेरे हाथ में ये टोपी है कोई असला तो नहीं। चीख शीख मार लूं कोई मसला तो नहीं। चीख देख कैसे हमारी सस्ते मल्लू पोन के आर्टिस्ट। साला कोई मसला तो नहीं। ये वही है ना। हेलो गाइस, आई एम सन्नी लियोनी। मैं कहना चाहता हूँ वेसन प्रो मैक्स। ऐसे लोग होते हैं शीशे में अपनी टुई देख के बोल रहे होते हैं बड़े बुद्ध तेरा। वेलकम दोस्तों। जुत्ती कत्ते मेरी पैर। Let me ask you a very simple question. What is trend? What is trending? तेरे को बोला था इसको नहीं लाना जुत्ती। रख दे लायक। ना जो पीछे दिखाया वो बिल्कुल ट्रेंडिंग नहीं। उसको कतई ट्रेंडिंग नहीं मानना। बाल देख रहे हो? कोई सेंस है इस बात का? So in this video I'm going to talk about छपड़ी trends on Instagram। हाँ ये कर लो पहले। बहुत सी मैंने अलग videos बनाई, अपने आप को differentiate किया मैंने बाकी YouTuber से, लेकिन जो audience देखना चाहती है वो वही है। साला कभी YouTube shorts पर video बना दो, कभी Instagram छपड़ी reels पर बना दो, कभी किसी TikToker को पकड़ के बना दो। अगर किसी individual को call out किया, अगर उसके बारे में कुछ बात की, वो तुम लोगों को पसंद नहीं आता, ठीक है मेरे को भी अपना चैनल चलाना है, तो जो तुम लोग देखना चाहते हो मैं वही बनाऊंगा। तो आज मैं Instagram reels पर बना रहा हूँ जिसमें बहुत से भाईया ट्रेंड आते हैं। उनमें से एक सबसे बड़ा हमारा खासम खास दोस्त है जिसका नाम है रजत पवार। मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, लेकिन साले ने मेरे साथ प्रैंक किया ना, उसने अपने चैनल पर डाला। जिसने नहीं देखा उसका चैनल है रजत व्लॉग्स, उसमें जाके देख लो, उसने मेरे साथ प्रैंक किया। तो गाइस वो वीडियो एंड तक देखते रहना, तब तक अपन शुरू करते हैं कुछ छपड़ी ट्रेंड्स। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। ये होता है असली टैलेंट, ये होती है असली रील्स, ये होती है असली इन्फ्लुएंसिंग। साले बेवकूफ, कोई गाना गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई कॉमेडी कर रहा है, कोई एक्टिंग कर रहा है। तुम लोगों के लिए ना एक ही वर्ड है मेरे पास, आथू। सालो ये करो, देखो कितनी मेहनत लगती है इसमें। मेरे हिसाब से 3-4 घंटे इसको लग गए ये वीडियो शूट करने में ना। पिछली बार जब मैंने रियाज को ऐसे रोस्ट हल्का बोता किया था ना, चाहे वो इंस्टाग्राम पे था चाहे वो यूट्यूब पे था, मेरे को एक लड़की का मैसेज आया, कहती अपने लेवल वालों को रोस्ट किया करो, इतनी ऊपर जाके रोस्ट मत करो, उसके पास मर्सिडीज है। बाद में जब मैंने उसका नंबर नंबर ढूंढ के सर्च किया तो लगा रियाज अली थर्ड ओनर है। ऐसी गाड़ियां पंजाब में 3-3, 4-4 लाख में बिकती है। मूस वाले का जेसीबी जैसा मर्सिडीज। जब दिल से उतर गए तो बार बार आने का जाने का नहीं है। ये मेरा दिल है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है। और रब दा वास्ता स्कूल खोल दो इतना दे। ज्योमेट्री में कौन कौन सी चीजें होती इनको ये नहीं पता होता, लेकिन ओए और मेक माई ट्रिप में कौन सा कूपन कब लगाना ये इनको पक्का पता होता है। क्या बोल रहा था उस दिन? मुझसे 600 किलोमीटर की दूरी पर है इसलिए बहादुरी दिखा रहा है। आज तेरे से चेंज दूर हूँ, जो बिगाड़ सकता है बिगाड़। तो गाइस वीडियो आगे बढ़ाने से पहले तुमको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि मेरे को ना YouTube स्टूडियो में बार बार ये बता रहा है कि आप एलिजिबल हो, अपनी मेंबरशिप ऑन कर लो। तो बताओ कौन कौन पैसे खर्चेगा मेरी मेंबरशिप लेने के लिए? तुमसे ना हो पाएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो तो किया नहीं होगा तुमने, कर लो यार, मेरे 3 लाख फॉलोअर्स कर दो, दुआ लगेगी गरीब की। और अगर तुम प्रॉपरली इंस्टाग्राम चलाते हो तो तुम्हें पता है एक धुन्नी नहीं मतलब नाभी वाला वो एक ट्रेंड आया था जिसमें लड़कियां क्या करती थी, बेसिकली ऐसे फोन रख के ना अपनी नाभी दिखाती और वाहिया तरीके चलती थी। वैसे मैंने उनकी नकल की और एक वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पर डाली। मैं पहले ना तुम लोगों को वो वाला ट्रेंड दिखा देता हूँ। इसके बाद ना मैंने भी कॉपी की, मैंने सोचा चलो यार जो लड़कियां कर रही है मैं भी करके देखता हूँ और बताता हूँ लोगों को भी आजकल लड़कियां क्या कर रही है। तो मैंने भी एक वीडियो बनाई। प्यार बड़ी बुरी चीज आ, बुरी चीज आ, हुण कन्ना नू हाथ लावे नी मुक देना नखरे तेरे, नखरे तेरे मुंडा देनो दे। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। ठीक है बाय बाय को बम बम टम टम। इनका नाम है ब्रिस्टी। इनकी रील्स टुई से शुरू होती है और टुई पे ही खत्म होती है। अब मैं सारी रील्स तो मैं कॉपी कर नहीं सकता और इस वीडियो में दिखा नहीं सकता, बाकी 2-3 मैं दिखा देता हूँ, उससे तुमको पता लग जाएगा भी कितनी ही टुई प्रस्त लड़की है ये। देखो एक छोटा सा काम तुम लोगों को दे रहा हूँ, ये बड़ी हॉट लगती है मेरे को, मेरी बात करवा दो कैसे भी इनसे। समझ रहे हो ना, मैं रोस्ट रोस्ट नहीं कर रहा, मैं इशारा दे रहा हूँ तुम लोगों को, करवा दो। प्यार की एक कहानी, एक
बस जिंदगी में इतना कॉन्फिडेंस मांगता है। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। बेटा प्यार की नहीं, वो तुम्हारे खाने की कहानी है सारी। बच्चे लोगों को एक टाइम का खाना नहीं मिल रहा, तुम 4XL पेट लेके बैठे हो। पर जो मर्जी कह लो, एटीट्यूड देख रहे हो, नीचे वाला बटन लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी एनक यहाँ पे रख के। So guys, this is the time, let's talk about Rajat Pawar. रजत पवार ने हमारे ऊपर किया था प्रैंक, हमें फालतू में कॉल किया था टोनी कक्कड़ का फैन बन के। और यार ये मैंने रियल में इसीलिए मान लिया था, बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं था, क्योंकि मेरे को नहीं पता इसने कहाँ से नंबर लिया मेरा। क्योंकि एक बार रियलिटी में मेरे को कोई बच्चा मिल गया था और उसने मेरे को यही बोला था कि वो टोनी कक्कड़ का फैन है, प्लीज उसको मत बोला करो। तो मेरे को यही था शायद उसी ने नंबर दिया या व्हाट्सएवर। लेकिन आज अपन बदला लेंगे, थोड़ा सा रोस्ट भी करेंगे। रजत पवार इंडिया के इकलौते ऐसे कॉमेडियन है जिनका कॉमेडी से दूर दूर तक कोई वास्ता है। रजत पवार इतने क्लीन शेड और इतने साफ सुथरे कि लड़कियों से ज्यादा इनको लड़के प्रपोज करते हैं। तो रजत भाई ने पीछे एक इंस्टाग्राम पर वीडियो डाली जिसमें इन्होंने डायलॉग बोला, माचिस की क्या जरूरत है डार्लिंग, सालों को तरक्की से जलाएंगे। 186 पोस्ट पे 739 के फॉलोअर्स, और जब मैंने कल इनकी प्रोफाइल देखी तो 161 पोस्ट पे 774 के फॉलोअर्स। रजत भैया ऐसे कैसे चलेगा हैं? अच्छा ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे, बड़े इन्फ्लुएंसर देखे, 500 पोस्ट होती है, जैसे ही फॉलोअर्स इंक्रीज होने लग जाते हैं ना, पोस्ट हो जाती है उनकी 150, बाकी सारी आरचीवी डिलीट कर देते हैं। किस प्रकार का ऑर्गेज्म मिलता है तुम लोगों को ये करके? तो यार आज छपरियों की बात चल रही है पूरी वीडियो में, अपन भी छपरी बन के ना, तो फिर रजत को करते कॉल पीयूष के नंबर से, तो उसको बोलेंगे अपन ब्यूटी खान का रिश्तेदार है क्या भाई, चलो आ जाते। तो ये पीयूष का फोन है, उसका नंबर है, मैं उसके फोन से करूंगा क्योंकि रजत के पास मेरा नंबर है। तो अभी अपन उसको करेंगे कॉल, ब्यूटी खान का कोई फ्रेंड बन गया क्योंकि ब्यूटी खान को इसने बहुत ज्यादा रोस्ट कर दिया। हेलो कौन? रजत पवार बोलता बाबा। हाँ आप कौन? मेरा नाम मुंताया, मैं ना तुम्हारा YouTube वीडियो देखा बाबा, तुमने ब्यूटी खान को रोस्ट किया। आपको नंबर कहाँ से मिला मेरा? अरे नंबर क्या, छोटा सा सर्कल होता है बाबा, कहीं से भी मिल जाता है, अपना बनता है, लोग बहुत घूमता है इधर उधर, अपन ने मांगा तो मिल गया नंबर। अच्छा मेरा बात सुनो यार रजत बाबा, मैं ब्यूटी खान का दोस्त बोल रहा है, मतलब उसके साथ मेरा काफी अच्छा रिलेशन चल रहा है यार। तुमको काफी तकलीफ है उसका वीडियो से, चाहे वो अपने मुंह पे कुछ भी बनाए, चाहे वो म्याऊं म्याऊं करे, तुम कौन होता बाबा बोलने वाला? मैंने तो कुछ ऐसा बोला नहीं है वैसे। यार क्या बकवास है यार, वैसे तुम इतना वाहियात, एक तो तुम चीखना आदमी, ऊपर से बाबा क्या अजीब सी हरकतें तुम वीडियो में करता है, थांबा थांबा करके तुमने इतना बेइज्जती किया ब्यूटी का, इतना बेइज्जती किया। तो आपको अच्छी लगती है उसकी वीडियोस? अरे मेरा जान है वो, तो मेरे को तो सब कुछ अच्छा लगता है उसका, बाबा क्या बात करता है। क्या पता, मुझे तो समझ नहीं आता, मेरे को तो लोगों ने क्योंकि ज्यादातर यही बोला है कि ये वीडियोस अच्छी नहीं लगती हैं, तो उनकी मैं तो ऑडियंस डिमांड पे ही करता हूँ थोड़ा। ना ऑडियंस डिमांड पे कुछ ना होता बाबा, और भी यूट्यूब फ्रेंड है हमारा, वो सब बोलता है कि ऑडियंस कुछ नहीं बोलता, जो ये यूट्यूबर करता अपने हेट निकालने के लिए करता, अपनी भड़ास निकालने के लिए करता है। नहीं आप देखो मेरी वीडियो में गाली भी नहीं देता, और आप एक बार यूट्यूब पे आप खुद सर्च करो ब्यूटी खान रोस्ट, आपको इतनी वीडियोस मिलेंगी। मैंने तो अभी जस्ट ये लोग सालों से कर रहे हैं, पांच पांच पार्ट्स बना चुके हैं। कोई बात नहीं, तुमने पांच पार्ट्स की जो भड़ास थी तुमने एक ही वीडियो में निकाल दी। देखो बाबा छोटी सी बात है, हमारा तुम्हारे साथ कुछ पर्सनल इतना है नहीं, ठीक है ना। अपन रहता मुंबई में, और मुंबई में बहुत दुआ है अपने ऊपर, अपना बहुत चलता है बाबा, ठीक है। ये ना हो, मेरे को पता तुम लोग भोपाल में रहता है, तुम्हारा जो मैनेजर है तुमने अपने बायो में लिखा हुआ कौन है, हम उससे बात करें, उससे अच्छा हम तुमको डायरेक्ट बोल रहे हैं कि अगली बार एक भी वीडियो इसके खिलाफ आया तो तुम्हारे ऊपर कंप्लेंट कर देगा, और अगर कंप्लेंट ना भी की तो बनता है अपना बहुत बाबा लोग उधर भोपाल में, अब एक फोन मारेगा तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। क्या आप क्या गुंडे गुंडे हो क्या? अब ऐसे मुंह से कोई अपनी तारीफ करे तो क्या बाबा क्या बात करता तुम। अच्छा आपने वो वीडियो देखी जो मैंने रोस्ट करी, आपको वो बिल्ली वाली वीडियो अच्छी लगी थी ब्यूटी खान की? मेरे को उसका सब कुछ पसंद है बाबा, चाहे वो बिल्ली बने, चाहे कुत्ता बने, चाहे कुछ भी बने, अपना जान है वो। तो अब क्या पता, आप देखिए आप एक बार वो बिल्ली वाली वीडियो नहीं देखूंगा भाई, नहीं देखूंगा। आपको और अगर फिर भी वो अच्छी लगती है,
अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब आपको ऐसी चीजें अच्छी लग रही हैं। खैर थाम बा रजत, वरुण बोल रहा हूँ मैं, नगीना बोल रहा हूँ। मैंने ना पहले फोन में, एक सेकंड में फोन की वो चेंज कर देता हूँ, मैंने आवाज चेंज की हुई थी इसमें से हल्की सी, रुको। तो बाबा अपने बनताई लोग बहुत घूमते हैं इधर उधर, जो मर्जी कह लो मजा आ गया, ठीक है। जितने भी रजत के फैन थे ना उनको भी मजे आए होंगे थोड़े बहुत। मैंने कहावत सुनी थी, बादाम खाने से अकल आती है, बादाम लेने से नहीं। दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, बताओ कैसे कुल्फी भेज लो, बताओ कैसी लगी आपको वीडियो, और सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू 5 लाख पूरे करने के लिए, अब 6 कर दो। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं।